अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज में खुशामदीद। इस सीरीज का आज हमारा तीसरा लेक्चर है और ये चैप्टर सिक्स में से है। चैप्टर सिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इससे पहले जो फर्स्ट टू लेक्चर हैं उसमें हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या थी, और उसमें फिर नेक्स्ट जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को देखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी कैटेगरीज हैं उन्हें हम डिटेल से ज़रा डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है तो वो तीन है, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेस्कटॉप या नोटबुक कंप्यूटर पे काम करते हैं, कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेस्कटॉप या नोटबुक आपका जो कंप्यूटर है उस पर काम करते हैं उन्हें हम स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कुछ स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं उनमें ये फैसिलिटी होती है कि वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी काम कर रहे होते हैं। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे होते हैं उन्हें हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम की, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस और क्रोम ओएस। इन्हें देखते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस जिसे आम अल्फाज में बोला जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था 1980s में। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये मल्टीपल टास्क को प्रमोट तो करता है, मगर इसमें मल्टीपल टास्क अगर किए जाए तो वो ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक ही वक्त में सिर्फ एक यूज़र काम कर सकता है। इसमें जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसमें यूज़र जो है मुख्तलिफ कमांड्स देता है और उन कमांड, बहुत सारी कमांड्स होती हैं, उन्हें याद करना ज़रा मुश्किल होता है अगर विंडोज़ के साथ कंपेरिजन किया जाए जिसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। इसकी इम्पॉर्टेंट जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स हैं उसमें DIR है कि जिसमें आप डायरेक्टरी, जो करंट डायरेक्टरी आपने खोली हुई होती है उसकी सब डायरेक्टरी और उनकी फाइल्स को डिस्प्ले करा देता है। CLS है जो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। CD होता है चेंज डायरेक्टरी के लिए। कॉपी होता है कि आपने फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है तो इसके लिए कॉपी कमांड इस्तेमाल होती है। डेट होती है एक कमांड जिसके ज़रिए आपको करंट डेट को डिस्प्ले कराया जाता है, और टाइम होता है जिसका मतलब है आपने करंट टाइम को डिस्प्ले कराया जाता है। तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही डिवेलप किया था, और इसके बहुत ज़्यादा वर्जन आ चुके हैं। पहले 90s में जो थे वो उसमें कुछ कम फीचर होते थे, तो इसका जैसे ही नेक्स्ट जो वर्जन आता है तो उसमें एनहांस्ड फीचर होते हैं जो पिछला इसका विंडोज़ का वर्जन होता है। तो लेटेस्ट जो विंडोज़ का वर्जन रिलीज हुआ है वो 29 जुलाई 2015 को हुआ है और वो विंडोज़ 10 है। तो इसमें बेटर सिक्योरिटी है और ग्राफिकल कैपेबिलिटीज़ हैं। ग्राफिकल कैपेबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ये मतलब है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको मेन्यूज, बटन्स और इस तरह की फैसिलिटी देता है जिसमें से आपको कमांड नहीं लिखनी पड़ती, आप उन्हीं को मेन्यूज में से जाके सिलेक्ट करते हैं। मोस्टली माउस को यूज़ करके आपने उन्हीं को जो मुख्तलिफ फीचर होते हैं उन्हें सिलेक्ट करते हैं। विंडोज़ 10 जो है ये डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट्स वगैरह सबके लिए डिज़ाइन की गई है, और इसका जो जो स्टार्ट मेन्यू है वो ज़्यादा अच्छा है और उसमें बहुत ज़्यादा एनहांस्ड फीचर हैं। और इसके अलावा जो है इसमें जो विंडोज़ स्टोर भी है जिसके ज़रिए आप डेस्कटॉप प्रोग्राम और विंडोज़ ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये और इसमें एक नया फीचर जो था कि जो हम पहले
वेब ब्राउजर यूज करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो उसका एक जो डिफॉल्ट इन लोगों ने नया ब्राउजर दिया है माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से, जो ज्यादा सिक्योर और फास्टर है इंटरनेट एक्सप्लोरर से। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिक्स। यूनिक्स जो है ये हम विंडोज के बाद हमारे पास है यूनिक्स। यूनिक्स से भी ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है कि एक ही वक्त में ज्यादा एक से ज्यादा जो टास्क है वो परफॉर्म हो सकते हैं। इसे बेल लेबोरेटरी में बनाया गया था 1970s में, और जो यूनिक्स के भी बहुत ज्यादा वर्जन्स अवेलेबल हैं। कुछ वर्जन्स जो हैं इसके कमांड लाइन हैं, मगर इसके ज्यादातर जो हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं। और इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं जैसे सन और आईबीएम हैं, वो अपने जो पीसी वगैरह सेल करते हैं तो वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सेल करते हैं। लिनक्स, लिनक्स जो है ये फ्री और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें भी आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसे 1991 में डेवलप किया गया था। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि इसका कोड जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। आप उस कोड को यूज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और इसके लिनक्स के जो मोस्टली वर्जन्स अवेलेबल हैं वो रेड हैट है, और इसके जो कमांड लाइन इंटरफेस भी है इसमें और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है। मैक ओएस ये प्रोडक्ट है एप्पल वालों की। ये इसे इंट्रोड्यूस कराया था 1984 में मैकिंटोश कंप्यूटर्स के लिए एप्पल कंपनी ने, और ये कमर्शियली अवेलेबल पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। ये मोस्टली ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल होता है वो आई मैक में, मैकबुक प्रो में और मैकबुक एयर में इंस्टॉल होता है। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन वो रिलीज हुआ है वो सितंबर 2018 में है। क्रोम ओएस किस लिए होता है? क्रोम जो है ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे गूगल ने डिजाइन किया है सिर्फ वेब की एप्लीकेशंस के लिए, कि अगर यूजर अपना ज्यादातर टाइम जो है वो वेब पे स्पेंड करता है तो वो क्रोम वेब क्रोम ओएस को इंस्टॉल करके यूज कर सकता है, और डेटा जो है वो गूगल ड्राइव पे भी स्टोर हो सकता है। और इसका जो स्पेशलाइज जो डेस्कटॉप है वो क्रोम को रन करता है, उसे क्रोम बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, के ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे होते हैं उन्हें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्वर के ऊपर रिजाइड्स करता है, और क्लाइंट कंप्यूटर उनके रिसोर्सेज को यूज करते हैं। इसके स्टैंड अलोन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसके क्लाइंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। कुछ एग्जाम्पल है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, विंडोज सर्वर 2012 है, OSX सर्वर है, यूनिक्स है, लिनक्स है, सोलैरिस है और नेटवेयर है। विंडोज सर्वर 2012 जो है ये अपग्रेडेड वर्जन है सर्वर 2008 R2 का। ये भी पावरफुल और वर्सेटाइल है। इसके आगे जो है 4 एडिशन है। विंडोज सर्वर 2012 फाउंडेशन है, जिसमें जो ये स्मॉल बिजनेस के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें 15 यूजर जो हैं वो एक प्रोसेसर पे काम कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट है विंडोज सर्वर 2012 एसेंशियल्स, ये भी स्मॉल बिजनेस के लिए, इसमें अप 25 यूजर्स जो हैं वो 2 प्रोसेसर पे काम कर रहे होते हैं। विंडोज सर्वर 2012 स्टैंडर्ड है, और इसमें तमाम फीचर्स जो हैं विंडोज सर्वर डेटा सेंटर वाले हैं, और इसमें 2 वर्चुअल मशीन्स होती हैं। विंडोज सर्वर 2012 डेटा सेंटर है, और इसमें जो मैक्सिमम है अप टू 64 प्रोसेसर्स जो हैं इसके साथ ये काम कर रहे होते हैं, और ये लार्ज सर्वर होता है। उसके बाद है OSX सर्वर। OSX सर्वर जो है ये सर्वर वर्जन है मैक ओएस का, एप्पल कंपनी वालों का है, और ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स है, यूनिक्स वालों का भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बहुत मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट कर रहा होता है। और यूनिक्स जो है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेब सर्वर है।
लिनक्स है, लिनक्स क्या जो है ये भी नेटवर्क सर्वर को यूज करता है, और इसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कॉन्फ़िगर करा होता है नेटवर्क को, नेट एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी को, वेब सर्वर को रन करा होता है, ये सारा लिनक्स के साथ है, लिनक्स में ये काम हो रहा होता है। सोलैरिस क्या है? सोलैरिस भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक वर्जन है। इसे सन माइक्रोसिस्टम वालों ने डिजाइन किया था। और उसके बाद है नेटवेयर। नेटवेयर ये भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिस जो यूज होते हैं हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स में या मोबाइल डिवाइसेस में, उन्हें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके कुछ एग्जांपल हैं, एंड्रॉयड है, आजकल बहुत ज़्यादा जो स्मार्टफोन है उसमें एंड्रॉयड ही यूज होता है, आईओएस है, विंडोज फोन है, ब्लैकबेरी है और फायरफॉक्स है। एंड्रॉयड जो है ये डिज़ाइन किया था गूगल ने, और ये लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके कोड को यूज किया जाए, आप मॉडिफाई करें और किसी कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसमें टच की फैसिलिटी है, मल्टी लैंग्वेज कैपेबिलिटीज हैं, और ये गूगल ड्राइव, इसके जो यूजर हैं वो गूगल ड्राइव को भी यूज करके उसके अंदर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आईओएस जो है ये एप्पल वालों का है, और ये मोस्टली आईफोन, आईपैड और आईपॉड टच वगैरह में यूज होते हैं। और इसके अलावा इसकी जो डेटा है वो, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो अवेलेबल हैं एप्पल स्टोर पे। और इसके अलावा इसकी एक और जो फैसिलिटी ये देता है फाइंड माई आईफोन की, जिसके जरिए ये आप फोन को लोकेट भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं अगर आपकी डिवाइस गुम गई है। विंडोज फोन है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके अंदर भी आप अपने डेटा को वन ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक और वीडियोस वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा विंडोज फोन स्टोर भी है, जिसके जरिए आप एडिशनल ऐप या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी ये आईबीएम जो सॉरी आईबीएम कह रही हूँ, रिसर्च इन मोशन कंपनी है, उन लोगों उनका ये डिजाइन किया हुआ है, ये भी हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है फायरफॉक्स ओएस, ये भी लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये स्मार्टफोन या टैबलेट्स जो मोजेला ने डेवलप की हैं उनमें ये यूज होता है। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्तलिफ कैटेगरीज थी जिन्हें हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसे भी हैं जो इम्बेडेड कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इम्बेडेड कंप्यूटर कौन से होते हैं? कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक खास मकसद के लिए डिजाइन किए जाते हैं, सिर्फ एक काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और ये जैसे कि अगर एटीएम मशीन में होते हैं, जीपीएस में होते हैं, वीडियो गेम्स कंसोलर में होते हैं, सॉरी कंसोल्स में होते हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स होते हैं, एचडीटीवी रिसीवर्स होते हैं, टिकट मशीन्स हैं, और इस तरह की जो कंज्यूमर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, ये भी इसकी एक कैटेगरी है। और इसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिर्फ जनरल पर्पस नहीं होता, जैसे पीछे हमने देखा था तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल पर्पस थे, ये स्पेसिफिक होते हैं। एटीएम मशीन का अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो सिर्फ एटीएम मशीन से रिलेटेड टास्क ही करेगा, जीपीएस वाला जीपीएस से रिलेटेड करेगा, वीडियो गेम्स वाला वीडियो गेम से रिलेटेड करेगा, अगर बैंकिंग का अपना है तो वो बैंकिंग से रिलेटेड ही टास्क परफॉर्म करेगा। ये आज का हमारा कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, क्लियर नहीं हुई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।